दोस्तों, हमारे मन में यह प्रश्न बार बार आता होगा कि गोलोक समस्त देवताओं और लोकपालों के ऊपर क्यों है? गौओं ने ऐसा कौन सा तप किया है जिससे वे रजोगुण से रहित होकर देवताओं के भी ऊपर आनंद पूर्वक निवास करती हैं? चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन महाभारत में अनुशासन पर्व के 83 अध्याय के 1 से लेकर 34वें श्लोक में मिलता है। पूर्व काल में दैत्यों के परास्त होने पर जब इंद्र तीनों लोकों के अधीश्वर बन गए तो समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्नता के साथ सत्य और धर्म में तत्पर रहने लगी। तदनंतर एक दिन ऋषि, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, असुर, सुपर्ण पक्षी और प्रजापति गण ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वही सब प्रश्न पूछे जो इस वक्त हमारे मन में चल रहे हैं और बोले, भगवान, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुम सदा गवों की अवहेलना करते हो, इसी से तुम उनका महात्म्य नहीं जानते। आज मैं तुम्हें गवों का उत्तम प्रभाव और महात्म्य बताता हूँ। सुनो, गवों को यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ रूप बतलाया गया है। इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता। ये अपने दूध और घी से प्रजा का पालन पोषण करती हैं तथा इनके पुत्र बैल खेती के काम में आते हैं और तरह तरह के अन्न एवं बीज पैदा करते हैं जिनसे यज्ञ संपन्न होते और हव्य कव्य का भी काम चलता है। इन्हीं से दूध, दही और घी प्राप्त होते हैं। ये गौएं बड़ी पवित्र होती हैं और बैल भूख प्यास का कष्ट सहकर अनेकों प्रकार के बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गौ जाति अपने कर्म से ऋषियों तथा प्रजाओं का पालन करती रहती हैं। उसके व्यवहार में शठता या माया नहीं होती, वह सदा पवित्र कर्म में लगी रहती हैं। इसी से ये गौएं हम सब लोगों के ऊपर निवास करती हैं। इंद्र, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह बात बताई कि गौएं देवताओं के भी ऊपर क्यों निवास करती हैं। इसके सिवा गौएं वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं तथा प्रसन्न होने पर वे दूसरों को भी वरदान देती हैं। सुर भी गौएं पुण्य कर्म करने वाली पवित्र और सुलक्षणा होती हैं। वे जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर गई हैं उसको भी मैं बता रहा हूँ। सुनो, पहले सतयुग में जब देवता तीनों लोकों पर राज्य करते थे उस समय धर्मपरायणा दक्ष कन्या सुरभि बड़े उत्साह के साथ घोर तपस्या में प्रवृत्त हुई। कैलाश के रमणीय शिखर पर जहाँ देवता और गंधर्व सदा विराजते हैं वह उत्तम योग का आश्रय लेकर 11,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ी रही। तब मैंने उस तपस्विनी देवी के पास जाकर कहा, कल्याणी, तुम किस लिए यह घोर तपस्या कर रही हो? तुम्हारे इस तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। सुरभि ने कहा, भगवान, मुझे वर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझ पर प्रसन्न हो गए। जब सुरभि ने इस प्रकार कहा तो मैंने उसे यूं उत्तर दिया, देवी, तुमने लोभ का परित्याग करके निष्काम भाव से तप किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ। अब मेरी कृपा से तीनों लोकों के ऊपर तुम्हारा निवास होगा। तुम जहाँ वास करोगी उसकी गोलोक के नाम से ख्याति होगी। तुम्हारी सभी शुभ संतानें मनुष्य लोक में प्राणियों के हित का कार्य करती हुई वहाँ निवास करेंगी। तुम अपने मन में जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगों का चिंतन करोगी वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे तथा सब प्रकार का सुख तुम्हारे लिए सदा सुलभ रहेगा। ब्रह्मा जी इंद्र से आगे कहते हैं कि सुरभि के निवास भूत गोलोक में समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहां मृत्यु, बुढ़ापा और अग्नि का जोर नहीं चलता। दुर्दैव तथा अशुभ की भी वहां पहुंच नहीं है। उस लोक में दिव्य वन, दिव्य भवन तथा परम सुंदर एवं इच्छा अनुसार विचरने वाले विमान मौजूद हैं। ब्रह्मचर्य, सत्य, इंद्र संयम, नाना प्रकार के दान, पुण्य, तीर्थ सेवन, बड़ी भारी तपस्या तथा अन्य नए शुभ कर्मों के अनुष्ठान से ही गोलोक की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने ये सारी बातें बताई हैं। अब तुम्हें गौओं का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह कथा सुनने के पश्चात इंद्र सदा गौओं की पूजा करने लगे। गौओं के प्रति उनके मन में विशेष आदर का भाव जागृत हो गया।